अकाल, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे 17th of June 2018। सो आज हम एक स्पेशल रेसिपी बनाएंगे। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि जिसने कभी किचन में एंट्री भी नहीं की वो भी इसे बड़ी आसानी से बना सकता है। सो वो स्पेशल रेसिपी है हमारी स्पॉन्ज वेनिला केक। किसी भी डे को सेलिब्रेट करने के लिए केक बहुत जरूरी होता है, और केक डेकोरेशन तो हर कोई कर लेता है थ्रू क्रीम्स, बट जो केक का बेस है अगर वो टेस्टी ना हो तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाती है। तो इसलिए आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत कम सामान में एकदम परफेक्ट केक की रेसिपी लाई हूँ आपके साथ। ये बहुत स्पॉन्जी है, बहुत सॉफ्ट है, और इवन हर कोई इसे बड़ी आसानी से अपने घर पर बना सकता है। तो देर ना करते हुए चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमने यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें ले ली हैं। सबसे पहले मैंने पाउडर शुगर ले ली है। आप घर पर ही शुगर को मिक्सी में पीस कर इस तरह बना सकते हैं। आधी कटोरी ले ली है। बटर ले ली है मैंने रूम टेम्परेचर पे। बेकिंग पाउडर ले लिया है मैंने 1.5 छोटा चम्मच, और बेकिंग सोडा ले लिया है 1/2 छोटा चम्मच। साथ ही मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है। रिफाइंड ऑयल 1/2 छोटी कटोरी ज़रूरी है। मैदा ले लिया है मैंने 1.5 से 1.25 कप। 2 कप पूरे नहीं लिए हैं, 1.5 से 1.25 कप, जिसे मैंने छान लिया है ऑलरेडी। कंडेंस मिल्क ले लिया है, होममेड है। अगर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप घर पर भी बना सकते हैं और बाहर से भी ला सकते हैं। और साथ ही 1/2 छोटा ग्लास हमने यहाँ पर दूध का भी ले लिया है। सो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहले हमने एक बाउल में बटर डाल दिया, और साथ ही हम इसमें जो हमने पाउडर शुगर ले ली है वो डाल देंगे। शुगर की मात्रा अच्छी रखेंगे क्योंकि बाद में हम केक में शुगर सिरप नहीं डालेंगे, तो अच्छी मात्रा में हमें इसमें शुगर डालना है, जितना मीठा हम खाना पसंद करते हो। तो अब एक व्हिस्क की सहायता से, व्हिस्क की हेल्प से मैं इन दोनों को मिक्स करना शुरू करूँगी। ध्यान रहे पाउडर शुगर ही लें, अगर सिंपल शुगर है तो उसको मिक्सी में ज़रूर पीसें। अगर सिंपल शुगर ले लेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। रिफाइंड ऑयल डालने से जो केक है वो काफ़ी अच्छा सॉफ्ट बनता है, इसलिए हमने 1/2 छोटी कटोरी रिफाइंड ऑयल की डाली। अब इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है जब तक ये काफ़ी अच्छे से स्मूथ ना हो जाएं। देखिए केक में सिर्फ ये स्टार्टिंग की मेहनत है बस, उसके बाद केक अपने आप बन जाता है। इसलिए जो भी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, उसे उसी तरह से फॉलो कीजिएगा। एक और चीज़, इस केक में हम अंडे नहीं यूज़ कर रहे हैं, बिना अंडे का मैंने केक बनाया है। एक और बात, यहाँ पे मैंने वेनिला एसेंस भी नहीं यूज़ किया है, क्योंकि मैंने लास्ट केक की रेसिपीज़ में मुझे काफ़ी कमेंट आए थे कि मैम वेनिला एसेंस नहीं है तो क्या करें, तो क्या करें, तो यूज़ नहीं किया है हमने यहाँ पे। जब हम एग वाला केक बनाते हैं उसमें वेनिला एसेंस बहुत ज़रूरी होता है। ये एगलेस केक है इसलिए हमने यहाँ पर इसे स्किप कर दिया है। अब आप देख पा रहे होंगे हमारा जो मिक्सचर है वो काफ़ी सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। बटर मेल्ट हो चुकी है, आप चाहें तो मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं जल्दी करने के लिए। अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट होना शुरू हो गया है, अच्छे से मिलाते रहेंगे इसे। थोड़ी देर के बाद जब आप देखेंगे जो शुगर है वो भी पिस चुकी है अच्छी तरह से, अब हम इसमें डालेंगे अपना कंडेंस मिल्क। देखिए मेरा होममेड कंडेंस मिल्क है। कंडेंस मिल्क बहुत ज़रूरी है। बाहर से अगर आपको लगता है कि महंगा है तो घर में मुझे लगता है ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ के अंडर आप इसे बहुत अच्छे से बना सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका लिंक देख लीजिए। 10 से 15 मिनट लगेंगे कंडेंस मिल्क बनने में, तो घर पर ही बना लीजिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कम से कम 2 से 3 मिनट इसे फेंट कर तैयार करेंगे। सो अब आप देख पा रहे हैं हमारा जो कंडेंस मिल्क है वो काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, बहुत अच्छी थिकनेस आ गई है इसकी। दूध जो लेंगे वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज से निकाल के ठंडा ठंडा यूज़ मत करना प्लीज़। हम यहाँ पे जो मिल्क यूज़ कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पे है, तो दूध को हम एक साथ सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। सो थोड़ा सा दूध मैंने अब डाल दिया, ऐसे मिला लेते हैं पहले, क्योंकि कंडेंस मिल्क के बाद वो पहले वाला मिक्सचर बहुत थिक हो गया था। मैदा ऐड कर लेंगे सडनली तो गांठें पड़ जाएंगी, इसलिए पहले से थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। भी थोड़ा सा पतला हो चुका है। मैदा ऐड करने का सही तरीका ये है, देखिए किस तरह से मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। थोड़ा मैदा डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा मैदा डालेंगे, फिर इसे मिक्स करेंगे। बस इसी पे ध्यान देना है, मिक्सचर पे बहुत अच्छे से मिक्सचर बनाना है हमें। थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालते रहिए आप,
और एक और बात, बहुत ज़्यादा मैदा मत ले लीजिएगा, क्योंकि हमें जो मिक्सचर है वो जितना हमारा कंटेनर होगा उसका आधा ही चाहिए। सो अगर आप सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैदा डाल दिया जाए तो सही नहीं होगा वो। मैंने 1.5 से 1.25 कप लिए हैं, आप देखिए अगर बड़ा कप है तो 1.5 कप लीजिए, अगर मीडियम साइज़ का है तो 1.25 कप लेकर आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए लम्स फ्री हो चुका है, इसमें कोई भी लम्स नहीं आए हैं, बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है ये। लास्टली जितना मैदा बचा था मैंने सब इसमें डाल दिया और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए ये जो केक हम बनाएंगे, इस केक का यूज़ करके आप बटर स्कॉच, वेनिला, चॉकलेट, कोई भी फ्लेवर इसको दे सकते हैं, क्योंकि क्रीम आपके हाथ में है, उसके अकॉर्डिंग बनाकर आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। बट बेस, जो बेस है वो बहुत ज़रूरी होता है, तो ये हम बेस केक बना रहे हैं आज। अब हमने इसमें थोड़ा दूध डाल दिया, अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा दूध डालेंगे, फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। एक साथ पूरा दूध आप मत डालिएगा, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हमें ज़्यादा पतली भी नहीं चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं चाहिए, एक मीडियम कंसिस्टेंसी हमें इसमें चाहिए होगी। सो फाइनल जितना दूध था मैंने ख़त्म कर दिया और इस तरह की कंसिस्टेंसी का मेरा मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। ओके, अब लास्ट में बस बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो रह गया था अब हम वो इसमें डाल देंगे और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से आधा मिनट चला लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा मिनट। अब हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है, अब सबसे पहले हम जाएंगे बड़ा सा कुकर लेंगे, क्योंकि जो मेरा मोल्ड है वो छोटे कुकर में आएगा नहीं, बड़े कुकर में ही आएगा, तो हमने यहाँ पर कुकर लेना है। इन केस आपके पास कुकर नहीं है तो आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। तो कुकर में सबसे पहले नमक डाल दिया है, चारों तरफ नमक को फैला देंगे और एक स्टैंड रख देंगे। कुकर का ढक्कन ऐसे टेम्प्रेरी बंद कर लीजिए ताकि 10 मिनट गर्म हो जाए अच्छे से। जब तक कुकर गर्म हो रहा है, यहाँ पर मैंने मोल्ड में रिफाइंड ऑयल लगा दिया है पूरी तरह से अच्छे से फैलाकर, देख पा रहे होंगे आप। अब हम इसमें डस्टिंग करेंगे मैदा की, कोको पाउडर की भी डस्टिंग कर सकते हैं आप, शुगर की भी डस्टिंग कर सकते हैं, जो भी पॉसिबल हो मैदा अवेलेबल है। अगर बटर पेपर है तो और भी अच्छी बात है, आप बटर पेपर यूज़ कर लीजिए, सबके पास ऑन द स्पॉट अवेलेबल नहीं होता है। तो अब हमने इसमें मैदा चारों तरफ फैला दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आप पहली बार ये केक बना रहे हैं ना, तो ये जो खाली मोल्ड है, ये खाली मोल्ड डायरेक्टली कुकर में रख दीजिए अब, और उसके बाद ये मिक्सचर उसमें डालिए, वो काम आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि जब मोल्ड में मिक्सचर भर जाता है तब वो कुकर में रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुकर में बहुत ज़्यादा गर्म बाफ आने लगती है, तो थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। पर मुझे प्रैक्टिस है तो इसलिए मैं डायरेक्टली ऐसे कर रही हूँ। अगर आप सिंपली चाहते हैं तो खाली मोल्ड रखिएगा। एक और बात यहाँ पे ध्यान देनी है, मिक्सचर बहुत ज़्यादा पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, मोल्ड सिर्फ हमें आधा ही भरना है। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया मिक्सचर, 30 मिनट्स के बाद जब हम इसे ओपन करेंगे, पूरे पूरे 30 मिनट्स लगे हैं ऐसे, और अब हम एक नाइफ से चेक कर लेते हैं ऐसे। ये देखिए ये परफेक्टली सेट हो चुका है, नाइफ साफ साफ बाहर आ रहा है, मतलब ये बनकर रेडी है। सबसे मेन चीज़ बस यहाँ पर यही है कि इसको कुकर में रखना किस तरह है, तो मैंने आपको बताया, आप रिस्क नहीं चाहते तो खाली मोल्ड रख दीजिए, पहले डस्टिंग करने के बाद खाली मोल्ड रख दीजिए और बड़े ध्यान से धीरे धीरे कलछी की हेल्प से सारा मिक्सचर मोल्ड में डाल दीजिए, इससे जो आपका रिस्क है वो बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। उसके बाद 30 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पर, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर चाहिए तो, स्लो फ्लेम पर रखेंगे तो 35 मिनट्स लग जाएंगे, मीडियम फ्लेम पर 25 से 27 मिनट्स में ये बनकर तैयार हो जाएगा। सो अब ये परफेक्टली बनकर तैयार हो चुका है, एकदम स्पॉन्जी। इसे डेकोरेट कीजिए और इसे ज़रूर अपने घर पर बनाइए आप। तो देखा आप सभी ने, इसे बनाना बहुत आसान था, सिर्फ एक ही मेन काम है, वो है कुकर में इसको डालना। अगर आप पहली बार किचन में गए हैं तो आप अपनी मम्मा से या किसी और की हेल्प लेके इसे बना सकते हैं, बट इजी है। मैंने दो तरीके से इसे बनाया है कि आप सिंपली ऐसे कैसे ऐड कर सकते हैं इसे, सो जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं भी जा रही हूँ अपने पापा के साथ सेलिब्रेट करने हैप्पी फादर्स डे, तो आप भी इंजॉय कीजिए। और प्लीज अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का जो बटन है ब्लैक वाला, उसे ब्लू कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, बेल आइकन नहीं दबाओगे तो लेटेस्ट अपडेट आपको नहीं मिलेगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।